वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ एंड्रॉइड मोबाइल में हम कैसे आईफोन जैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं विजन एडिटर के अंदर। मींस अपने वीडियोस को हम कैसे कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं आईफोन जैसा, अपने वीडियोस को हम कैसे स्मूथ स्लो मोशन कर सकते हैं आईफोन जैसा। ओके, और अगर आपके विजन एडिटर में आईफोन फिल्टर अनसपोर्ट आ रहा है तो उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, सारा चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को यार लास्ट तक जरूर से देखना एंड अब अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर ले। तो सबसे पहले VN एडिटर को ओपन करेंगे एंड प्लस वाले बटन को ऊपर टैप करके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हमें यहाँ पे एक अपनी वीडियो को सिलेक्ट करने को जिसे एडिट करना चाहते हैं। सो वीडियो को ऊपर टैप करके ऐड के ऊपर क्लिक कर देते तो वीडियो ऐड हो चुकी। एंड मैं इसे प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल वीडियो, इसमें कोई भी आईफोन कलर ग्रेडिंग ये सब नहीं है, ना ही कोई स्लो मोशन है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आईफोन कलर ग्रेडिंग करके दिखाता हूँ, देन उसके बाद मैं आईफोन स्मूथ स्लो मोशन करके दिखाऊंगा। ओके, आईफोन कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे सिंपली सा आपको एक इफेक्ट को सेलेक्ट करना है। इफेक्ट को हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे देन उसके बाद आप देख सकते हो इसमें यार आईफोन कलर ग्रेडिंग कर दिया गया है। ठीक है, बट ये जो इफेक्ट है ना वो आपको VN एडिटर में मिलेगा नहीं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इसका नाम है वीरू विवेट इस टाइप का कुछ, ये आपको VN एडिटर में मिलेगा ही नहीं, इसे मैंने खुद से इसमें ऐड किया। ठीक है, अब ये VN एडिटर में कैसे ऐड किया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, बट इसे यूज कैसे करना है सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। ओके, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, आप इसे जैसे ही कम या फिर ज्यादा करोगे उसके हिसाब से आपके वीडियो को एडिट कर दिया जाएगा। अब इसे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको एडजस्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको लगे कि यार थोड़ा सा ब्राइटनेस से कम कर दिया गया है तो आप एक्सपोजर को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आपको कॉन्ट्रास्ट ये सब को इंक्रीज ये सब करना है तो आप वो सब भी कर सकते हो, बट ज्यादा आपको ब्राइटनेस नहीं बढ़ाने वरना लगेगा ही नहीं कि यार आईफोन से एडिट किया गया है। ठीक है, सिर्फ हम थोड़ा सा सेचुरेशन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडिटिंग कर लेना, देन उसके बाद डन करते तो आप देख सकते हो यार आईफोन कलर ग्रेडिंग हमारा हो चुका है। अब ये हम जान लेते हैं कि फिल्टर को कैसे अप्लाई करना है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि फिल्टर को कैसे ऐड किया जाता है। और देखो ये फिल्टर को ऐड करने समय ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी आता है। ठीक है, उसी समय यार अनसपोर्ट एरर इस टाइप का कुछ आता है, उसका रीजन ये है ना कि आप जो फाइल इंस्टॉल कर रहे हो या फिर ऐड कर रहे हो वो यार करप्टेड फाइल होते हैं या फिर वो एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम को ना मैं बिल्कुल ही खत्म कर दिया हूँ, मीन से सारा एक्सट्रैक्ट ये सब करके सब चीज रख दिया हूँ, जस्ट आपको उसको डाउनलोड करना है, लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड उसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक करके जस्ट ओके कर देना एंड ये वाला आपको फाइल मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो डायरेक्ट ये वाला फाइल मिलेगा, इसको आप टैप कर देना एंड उसके बाद न्यू फोल्डर के ऊपर टैप करके इसे आप जस्ट आईफोन कलर ग्रेडिंग लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली आईफोन लिख लेना। ठीक है, मीन्स जो लिखना है आप वो लिख सकते हो, देन उसके बाद इसे डन करेंगे एंड क्रिएट कर लेंगे। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे हमारा ये फिल्टर ऐड हो चुका है। ओके, अब देखो यार इसका सॉल्यूशन यही था, अगर आपका अनसपोर्ट वाला प्रॉब्लम आता है तो इसलिए है क्योंकि यार आप कोई गलत फाइल इंपोर्ट कर रहे होते हो या फिर आपको करप्टेड फाइल मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में अच्छा वाला फाइल, मीन्स वर्किंग फाइल, उसे आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, देन यहाँ आप देख सकते हो कलर ग्रेडिंग का काम हमारा हो चुका, अब हम स्लो मोशन करते हैं। ठीक है, तो कलर ग्रेडिंग हो चुका है, अब इसे एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर टैप करके इजिली हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सब काम आप कर लेना, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको अब स्मूथ स्लो मोशन करके दिखाता हूँ। सो सेव टू एल्बम कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ एंड उसके बाद इसमें जस्ट ऐड करके मैं आपको स्लो मोशन करके दिखाता हूँ। तो ये वीडियो को मैं जैसे ही प्ले करूँ तो आप देख सकते हो कुछ नॉर्मल सी वीडियो है। ठीक है, अब इसे हम कैसे स्लो कर सकते, तो स्लो करने के लिए ना आपके पास दो मेथड है। ठीक है, आप स्पीड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको दो चीजें दिखेगी, एक कर्व एंड एक रेगुलर। तो कर्व को यूज करना बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, आपको जहां स्लो करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको स्टार्टिंग वाला पार्ट स्लो करना है तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट को मीन्स बीट को आप नीचे कर दो। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि वीडियो हमारे स्टार्टिंग वाली स्लो हो चुकी। अगर आपको कहीं और स्लो करना है, मान लो यहाँ बीच में स्लो करना है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करना, एड पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देना एंड इसे नीचे कर देना, तो यहाँ पे स्लो हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी वीडियो को प्ले करके आप देख लेना कि कहाँ आपको स्लो मोशन करने की रिक्वायरमेंट है, वहां पे आप स्लो कर सकते हो। नाउ डन करेंगे तो आप देख सकते हो यार हमारी स्टार्टिंग वाली वीडियो स्लो हो चुकी, देन उसके बाद एंडिंग में भी मीन्स यहाँ पे मैंने स्लो किया था, यहाँ भी स्लो हो चुका। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर्व का यूज करके अपनी वीडियो को स्मूथ स्लो मोशन कर सकते हो।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आके इसे रेगुलर कर लेता हूँ, मीन्स 1 सेकंड में कर लेता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे ना, हम कोई पर्टिकुलर स्पेस को देख लेंगे कि कहाँ हमें स्लो करना है। फॉर एग्जांपल मान लो सिर्फ मुझे लास्ट वाला पार्ट को स्लो करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी वीडियो को ना कट कर दूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग वाले पार्ट से मैं इसे कट कर देता हूँ, मीन्स स्प्लिट कर दूंगा, तो हमें सिर्फ लास्ट वाले का क्लिप मिल गया। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्पीड के ऊपर क्लिक करेंगे, रेगुलर में आके जस्ट अब इसे हम कम कर देंगे, ठीक है। तो ये स्लो हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पार्ट को स्लो कर सकते हो। तो मैंने 2 मेथड आपको बताया, जो पसंद आता है आप उसे यूज कर लो। अब देखो यार, ये डायरेक्टली स्लो हो जा रहा है तो उतना मजा नहीं आ रहा है। अगर आप चाहो तो इसमें कोई इफेक्ट ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करना, काफी सारे आपको ट्रांजिशन इफेक्ट मिल जाएंगे, इन्हें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये लाइट वाला काफी अच्छा लगता है, तो मैं इसे यूज करता हूँ। एंड उसके बाद प्ले करके दिखाऊं तो देख सकते हो भाई, कुछ इस तरीके का इफेक्ट आएगा। अगर आपको यहाँ पे शेक इफेक्ट या फ्लैश इफेक्ट ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। जस्ट क्या करना, ट्रांजिशन को मैं फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। एंड एफेक्ट्स के ऊपर हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में व्हाइट मिलेगा, जिससे कि आप फ्लैश इफेक्ट ऐड कर सकते हो। एंड अगर आपको यहाँ पे शेक इफेक्ट ऐड करना है तो जस्ट जिटर डाउन या फिर जिटर अप या बहुत टाइप के यहाँ पे इफेक्ट है, ठीक है, शेक इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो कोई भी यूज कर लेना, तो मैं जिटर अप को यूज करता हूँ। एंड इसे जस्ट यहाँ हम डन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो काफी अच्छा लग रहा है। अब अगर इसे में आपको कोई और ट्रांजिशन ऐड करना है तो ट्रांजिशन के ऊपर आना, जूम को भी यूज कर सकते हो, काफी अच्छा लगता है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन के बाद यार हमारी वीडियो काफी सही लग रही है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप स्लो मोशन कर सकते हो, कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, साथ ही में इफेक्ट, ये सभी मैंने आपको यूज करके दिखा दिया कि कैसे करना है। तो इस तरीके से आपको अपनी वीडियो को एडिट करना है। नाउ एक्सपोर्ट ऑल बटन को पर टैप करके सिंपली से आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो आई होप आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। एंड अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।